गुरुग्राम में मनाई गई गुर्जर समाज सम्राट मिहिर भोज जयंती। मिहिर भोज द्वार और मीर भोज की मूर्ति का किया गया अनावरण। कंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने किया मिहिर भोज की मूर्ति का अनावरण। गुरुग्राम में चैंपियन का हुआ जोरदार स्वागत। 182 मीटर पगड़ी बांधकर गुर्जर समाज ने किया सम्मान। नमस्कार, आप देख रहे हैं तहलका हरियाणा आपकी आवाज। पूरे देश और दुनिया में आज महान सम्राट गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज की जयंती मनाई गई। देश भर में जगह जगह महाराज मिहिर भोज की मूर्तियां स्थापित की जा रही हैं, तो वहीं मिहिर भोज द्वार भी बनाए जा रहे हैं। गुरुग्राम के तिगरा गांव में भी आज महान सम्राट मिहिर भोज की जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया गया। गुरुग्राम में तिगरा गांव में आज गुर्जर समाज की तरफ से महान सम्राट गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज की जयंती का आयोजन किया गया। साथ ही तिगरा में महान सम्राट गुर्जर प्रतिहार की मूर्ति का अनावरण उत्तराखंड से विधायक और लडोरा रियासत के राजा कुंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने किया। साथ ही उन्होंने मिहिर भोज द्वार का उद्घाटन भी किया। इस मौके पर पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, यूपी, उत्तराखंड, राजस्थान, यूपी के अलग अलग जिलों से गुर्जर समाज से जुड़े लोगों ने भाग लिया और महाराज मिहिर भोज को याद करते हुए उनके पद चिन्हों पर चलने की प्रेरणा ली। इस मौके पर कंवर प्रणव सिंह चैंपियन ने कहा कि राजा मिहिर भोज की जयंती आज मनाई गई है और पूरे देश भर में उनकी मूर्तियों का स्थापित किया गया है, क्योंकि वर्तमान को जानने के लिए अतीत को जानना पड़ता है। साथ ही गुर्जर के इतिहास को खत्म करने की कोशिश की गई है, इसलिए आज गुर्जर समाज के महान सम्राट मिहिर भोज की जयंती मनाई गई, ताकि गुर्जर समाज के युवाओं को उनके इतिहास की जानकारी मिल सके और गुर्जर समाज का इतिहास बरकरार रह सके और उनके पद चिन्हों पर गुर्जर समाज के युवा चल सके। इस मौके पर चैंपियन ने अन्य समाज के लोगों को करारा जवाब देते हुए कहा कि उन्हें इतिहास की जानकारी नहीं है, इसलिए वह महान सम्राट गुर्जर प्रतिहार मिहिर भोज को अपना मानते हैं, जबकि इतिहास में साफ साफ लिखा है कि मिहिर भोज गुर्जरों के राजा रहे हैं। आइए सुनते हैं कंवर प्रणव सिंह चैंपियन विधायक उत्तराखंड ने इस अवसर पर क्या कहा। वर्तमान को समझने के लिए अतीत का जानना अनिवार्य हो जाता है। आज हम किस परिवेश में हैं, निसंदेह परिस्थितियां उसके लिए जिम्मेवार हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा कर्म या अकर्मण्यता भी जिम्मेवार है। अकर्मण्यता मैंने खास तौर पे कहा, क्यों? क्योंकि हमें बाल्यकाल से हमारे इतिहास का ज्ञान नहीं दिया गया। कुचेष्टाएं रही विदेशी आक्रांताओं द्वारा हमारे इतिहास को सिस्टमेटिकली खत्म करने की, चाहे मुसलमान आए हों, अंग्रेजों का शासन रहा, 1000 साल मुसलमानों का गुलाम रहा हिंदुस्तान, उसके बाद अंग्रेजों का गुलाम रहा और एक गुलामी मानसिकता हमारे अंदर घर कर गई, दुर्भाग्य रहा। लेकिन आज आवश्यकता है युवाओं को जागृत करने की। जागृत कैसे होंगे, महापुरुष तो आज के कलयुग में तो है नहीं, तो हमारे जो महापुरुष थे, जो महाबली महावीर महाराज थे, जो हमारे जिन्होंने भारतवर्ष की आक्रांताओं से भारत माता की अस्मिता की अक्षुणता की रक्षा की 8वीं शताब्दी और उससे पूर्व, वो क्षत्रिय गौरव वंशी वीर गुर्जर राजवंश के महान गुर्जर सम्राट श्री मिहिर भोज जी और अन्य जो हमारे राजा हुए, उनका एक आभास, उनका संज्ञान कराने के लिए ये कार्य प्रारंभ हुआ है। डॉक्टर रूप सिंह सम्मानित भाई मेरे सहयोगी हैं और सभी जो सजातीय बंधु बड़े और छोटे अंतराम जी सब हैं, मैं उनका बहुत तहजीब से शुक्रिया अदा करता हूँ कि हमारे नवयुवक वर्ग को जन जागरण का मौका दे रहे हैं, जिससे कि वो राष्ट्र निर्माण में मुख्य धारा में आके भूमिका निभा सकें और भारत को पुनः विश्वगुरु बना सकें। जगह जगह प्रणव जी चल रहा है कि जाट समुदाय भी इसका विरोध प्रकट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि सिर्फ गुर्जर समाज ने सिर्फ इस पर मोहर लगाई है वो ठीक नहीं है, ये सबके सबके लिए है। हम सबको भाई मानते हैं, जाट हमारे भाई हैं, राजपूत हमारे भाई हैं, अहीर हम में से हैं। चौधरी चरण सिंह ने क्या कहा था, अजगर कौम अहीर जाट गुर्जर राजपूत। हो सकता है उनको संज्ञान ना हो, उनको ज्ञान ना हो इतिहास का, मैं उनसे विनम्र आग्रह करूंगा, करबद्ध निवेदन करूंगा हाथ जोड़ करके, एक मर्तबा एंशियंट इंडिया और मेडिवल इंडिया के इतिहास को पढ़ें, एंशियंट वर्ल्ड हिस्ट्री और मेडिवल वर्ल्ड हिस्ट्री को पढ़ें, अपने आप उनका मुकाबला दूर हो जाएगा। दिक्कत यह है कि जो लोग विरोध कर रहे हैं उन बेचारों को इतिहास का नहीं पता, पढ़े लिखे नहीं। इस अवसर पर गुर्जर समाज के युवाओं में खासा जोश देखने को मिला।
गुर्जर समाज के युवाओं ने कहा कि उनके पास गुर्जर समाज में पैदा होना ही सबसे बड़ा पद और सम्मान है। गुर्जर समाज के युवाओं ने अपने मुख्य अतिथि के सम्मान में 182 मीटर की पगड़ी बांधकर विश्व रिकॉर्ड बना दिया, क्योंकि इतनी बड़ी पगड़ी आज तक किसी को नहीं बांधी गई है। सरदार वल्लभ भाई पटेल की गुजरात प्रतिमा की ऊंचाई के बराबर 182 मीटर की ये पगड़ी है, जो साफ साफ दिखाती है कि गुर्जर समाज किस तरह से संस्कृति और सम्मान के साथ जीते हैं। साथ ही गुर्जर समाज के युवाओं ने अन्य समाज के लोगों में भाईचारे की अपील करते हुए कहा कि उन्हें आज भी जानने की जरूरत है और इतिहास को खंगालने की जरूरत है, क्योंकि दिल्ली से लेकर लखनऊ तक यह साफ हो चुका है कि गुर्जर सम्राट मिहिर भोज गुर्जरों के राजा रहे हैं, तो फिर ऐसे में बवाल क्यों किया जा रहा है। आइए सुनते हैं इस अवसर गुर्जर समाज के युवा प्रधान राहुल ने क्या कहा। आज का जो प्रोग्राम था कैसा रहा, किस तरह का? आज का जो प्रोग्राम है हमारा बहुत ही खास प्रोग्राम है, बहुत ही धूमधाम से बनाई गई है और प्रतिमाएं हमारे देश में आज लगाई गई है। राम तिगरा में भी और जीरा प्रतिमा लगाई गई है और सम्राट मिहिर भोज जी का द्वार बनाया गया है। आज जो आपके यहाँ मुख्य अतिथि रहे, कौन रहे, किस तरह से स्वागत किया गया? आज के हमारे मुख्य अतिथि राजा साहब कोर चैंपियन जी, उनको खूब धूमधाम से हजारों युवाओं की बाइक रैली से गांव में स्वागत किया है। और सरदार वल्लभ भाई पटेल जितनी बड़ी प्रतिमा है उतनी बड़ी पगड़ी से उनका सम्मान किया गया है। लगातार जो है राजपूत विवाद कर रहे हैं कि मिहिर भोज हमारे राजा थे ना, ये तो समाज का माहौल खराब करने वाली बात है, क्योंकि हमारे देश की सरकार ने इससे पहले भी सम्राट मिहिर भोज जी के सम्मान में राष्ट्रीय राजमार्ग 24 जो कि दिल्ली से लखनऊ के लिए जाता है, उधर भी एक शिला पे गुर्जर सम्राट प्रतिहार मिहिर भोज जी नाम लिख के वो शिला वो रोड का कुछ हिस्सा उन्हीं के नाम के सम्मान में दिया है। और एक अक्षरधाम मंदिर दिल्ली में भी एक धातु की प्रतिमा सम्राट मिहिर भोज जी की लगा रखी है। ये तो आज समाज के हक, क्योंकि उनके मिहिर भोज जी के सम्मान में जो हक मिलता है उसे छीनने वाली बात है।